हेलो एवरीवन, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम अपनी इनकम को जनरेट करने वाले हैं, यानी कि आप कह सकते हो एक ऐप्स से हम अपनी इनकम को जनरेट करेंगे। वो कुछ 1,000, 2,000, 3,000 भी हो सकते हैं, और या आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितना अर्निंग कर लो। मैं खुद अपनी अर्निंग को शो करने वाला हूँ, अपनी अर्निंग को बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो कैसे क्या मैं करता हूँ। इस वीडियो को स्टार्टिंग एंड तक देख लेना। एंजल ब्रोकिंग, आपने नाम सुना होगा एंजल ब्रोकिंग के बारे में। बहुत बड़े बड़े जो अपने यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोज़ बने हुए हैं वो इतने बड़े बड़े क्रिएटर बता रहे हैं, तो कोई भी ये जो ये चीज़ फेक नहीं है। अब आपको लाइव मैंने अपनी अर्निंग शो करने वाला हूँ, कैसे इसमें अर्निंग होती है, अपने पैसे कैसे कमाए जाते हैं, वो आपको बताता हूँ इस वीडियो में। चलो इस वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं और आपको लाइव अर्निंग बताता हूँ डेमो के थ्रू। चलो वीडियो स्टार्टिंग करते हैं। ऑलराइट गाइस, अभी मैं ओल्ड रेट सेट हूँ। अभी स्क्रीन पे आप ध्यान देना, 1950 रुपये मेरे इसमें जो वॉलेट में अभी दिख रहे हैं। और अब जैसे जैसे मैं जो स्क्रैच कार्ड ओपन करूँगा, जैसे जैसे स्क्रैच कार्ड को रिमूव करने वाला हूँ, वैसे वैसे मेरी इनकम भी जनरेट होने वाली है। चले देखते हैं। ये मैंने जैसे स्क्रैच कार्ड ओपन किया, ये स्क्रैच क्या, ये मिल गया मुझे 150 रुपये। अभी दूसरे जो स्क्रैच कार्ड पर जान देते हैं, ये दूसरे को हमने क्या, फिर से मिल गया हमें 150 रुपये। जैसे जैसे जो हम इसको स्क्रैच कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारी अर्निंग भी बढ़ रही है। आप देख सकते हो लाइव इसे जो स्क्रैच कार्ड पे क्या ये मिला हमें 170 रुपये। हम जैसे जैसे कर रहे हैं हमारी इनकम बढ़ती जा रही है। हमें मिला अभी 10 रुपये, यानी जो ये फिक्स नहीं है कि कितना मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि 150, 100, 150, 100 इसके आसपास आपको करीब मिलेगा ही मिलेगा। हाँ जी, तो भाई लगा अभी मेरी अर्निंग देख सकते हो आप 3570, यानी 3570 रुपये अभी मेरी काउंट हो चुकी है टोटल अर्निंग है। पहले तो 1950 थी, तो सो फाइनली गाइस मेरी जो अर्निंग आप देख सकते हो कि 3550 के आसपास से जो हो चुकी है मेरी अर्निंग। तो ये जो बहुत अच्छा एक तरीका है मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें आप जो अपना रेफर और अर्न से अपने दोस्तों के साथ शेयर करके कुछ डाउनलोड करा के रजिस्ट्रेशन करा के पैसा कमा सकते हो, एक बहुत अच्छा एक जरिया है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं और आपको रजिस्ट्रेशन कैसा करना है, क्या प्रोसेस है, वो आपको इस वीडियो में पूरा स्टेप स्टेप समझाने वाला हूँ। तो गाइस, एंजल ब्रोकिंग में अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है उनके बारे में बता देते हैं। पहले सबसे पहले आपका जो एक आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास में, और आपका एक पैन कार्ड होना चाहिए, और आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। और बैंक अकाउंट और आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, वो मोबाइल नंबर की सिम आपके पास में होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपके कंप्लीट होना चाहिए। अब इसमें जो एक के साथ में आपके पास में एक आपकी जीमेल आईडी भी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपके कंप्लीट हैं तो हाँ 100% आप इसमें अपना रेफर और अर्न करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। कैसे क्या करना है इसका प्रोसेस आपको समझाता हूँ। इसमें ऐसा कोई चार्जेस नहीं है, कोई भी ऐसा जो कोई फीस नहीं देनी है आपको। अभी ये जो फ्री अकाउंट जो आपके डेमो अकाउंट में खुल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलो इस वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखी है इस पर क्लिक करना है सिंपली, और क्लिक करने के बाद जो अपने प्ले स्टोर पे ओपन कर देना है, और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको जो एप्स को इंस्टॉल कर देना है। चलो ये प्रोसेस हो जाने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सो गाइस, मैंने आपको जो डिस्कबॉक्स में एक लिंक दे रखी है, जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे वहाँ पे जो डायरेक्ट हो जाओगे आप प्ले स्टोर पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। वहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको आगे को प्रोसेस बता देता हूँ। सिंपली इसमें जो एप्स को आपको डाउनलोड करना है। देखो यहाँ पे जो रीडायरेक्ट हो गए हम, यहाँ पे जो एंजल ब्रोकिंग का एप्स आपको देखने को मिल रहा है, उसमें जो रेटिंग की बात करें तो 4.2 है, और इसकी जो डाउनलोडर की बात करें तो 10 मिलियन डाउनलोडर है। सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं तो ये इंस्टॉल होगा, तो कुछ टाइम लगेगा आपको डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद आगे क्या करना है आपको बता देता हूँ। सिंपली जो ओपन वाला क्लिक दिखता है आपको, ओपन वाले क्लिक पे क्लिक कर देना है और इसको जो ऐप्स को ओपन कर देना है। ओपन हो जाने के बाद इंटरफेस आपको ऐसा मिलेगा, और सिंपली यहाँ पे ये करना है आपको ये है कि जो लैंग्वेज चूज़ करनी है, जो भी आपकी लैंग्वेज चूज़ करने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करोगे आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन ऐसा देखने को मिलेगा। करना ये है अब आपको कि रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सीधा आपका फुल नेम पूछा जाएगा, जो भी आपका फुल नेम है वो आपको एंटर करना होगा। सिंपल आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना होंगे, मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको वेरीफाई करना है, और आपका हमारा प्रोमो कोड आपको जो देखने को मिल रहा है, प्रोमो कोड आपको जो स्क्रीन पर जो दिख रहा है सेम ऐसा ही आपको प्रोमो कोड आ जाएगा। और यदि नहीं आता तो वहाँ पर वापस से फिलअप कर देना। ठीक है, प्रोमो कोड को जो कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, और डायरेक्ट आपको इसमें प्रोसीड पे ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे मैं आपको फिलअप कर देता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करता हूँ। जैसे हमने जो ओटीपी भेज दिया, ओटीपी वेरीफाई भी हो गया, उसके बाद मैं प्रोसीड किया, और आपका इसमें पूछा जाएगा आपका जो भी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे गूगल अकाउंट चूज़ करना होगा। जो भी ईमेल आईडी है आप वहाँ पे सिंपली लॉगिन कर देना, और इसको ओपन करने के बाद आपको नेक्स्ट जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा पैन कार्ड, यानी जो भी आपका जो पैन कार्ड है उसका जो एक पिक लो और वहाँ पर अपलोड कर दो। यदि नहीं है तो आप गैलरी से जो डाउनलोड कर दो, या जो गैलरी में नहीं है तो आप डायरेक्ट जो कैमरा को ओपन करके वहाँ से ले लो। ये हो जाने के बाद आपको जो पूरी डिटेल आपको जो आ जाएगी, जैसे आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो सब आपको आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है।
जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो भी आपकी बैंक है वो आपको यहाँ पे चूज करनी होगी। जैसे जो SBI है, एक्सिस बैंक है, HDFC, ICICI है, वो आपको यहाँ पे बैंक चूज करनी है। उसके बाद जो भी आपका अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर को डालने हैं, उसके बाद वेरीफाई कर देना है। और जो आपकी सिम है वो आपको सिम यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। जैसे ये हमारी जो दो सिम है तो दो सिम हम सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद में एक वेरीफाई मैसेज किया जाएगा और आपके अकाउंट में ₹1 क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये सब हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि यहाँ पे IMA आधार कार्ड पूछा जाएगा। अब आधार कार्ड में नंबर कौन से हैं तो वो आपको यहाँ पे सिंपल करना है यस, जो आधार कार्ड जो नंबर है आपको यहाँ पे भेजना है। सिंपली यहाँ पे KYC कंप्लीट होने के लिए आपको करना है कि आपको जो भी आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पे आपको सिंपली डालने होंगे। आधार कार्ड जो भी आपके नंबर हैं उनको डाल दीजिए, उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक के बाद OTP जाएगा। OTP आने के बाद वो OTP आपको यहाँ पे डालना है, यानी जो मोबाइल नंबर से लिंक होगा आधार कार्ड वो आपको OTP यहाँ पे सिंपली मैसेज आएगा, वो आपको डाल देना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना। ये आपका जो KYC है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में जो ई-साइन भी बोला जाता है, कई कई बार जो ई-साइन भी है जो होती है और कई कई बार जो नहीं होती है, यहाँ पे सिंपली आपको एलाउ पे क्लिक कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जो आप व्यूअर जो एनुअल इनकम है, जो भी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। सिंपली मैंने जो यहाँ पे सारी भी फिलअप कर दी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही हम इस पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, कुछ इंटरफेस आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे आपको पूछा जाएगा जो आपकी सेल्फी है, सेल्फी आपको कैमरा को ओपन करने के यहाँ पे सेल्फी लेनी है और एक सिग्नेचर आपको व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर कर देना है। सिंपल उनके दोनों के स्पिक ले लेने हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे गैलरी पे चूज़ कर सकते हो, जो भी आपकी है वो आप चूज़ करके यहाँ पे डायरेक्ट ले सकते हो। यदि आपके नहीं है तो आप डायरेक्ट कैमरा ओपन करके भी आप डायरेक्ट ले सकते हो, यदि है तो आप गैलरी से ओपन करके भी ले सकते हो। ध्यान रखें व्हाइट पेपर पर आपका साइन होना चाहिए। ये हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। सिंपली हम जल्दी से कर देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देते हैं। तो गाइस इसके बाद होने के बाद आपको चेक करना है कि जो यस आई वांट टू एक्टिव नाउ ये आपको दिख रहा है, इस पर आपको सिंपली यहाँ पे यस पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। सिंपली हम जैसे इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। जैसे ये हमारी स्टेप भी कंप्लीट होती है, उसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप पूछी जाएगी। जो एक आधार कार्ड होता है उसको वेरीफाई करना होता है, आधार कार्ड का जो एक ऑफिशियल साइट कह सकते हो आप, NSDL जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगी। उसके बाद जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड का नंबर डाले होंगे, उसके बाद एक OTP आएगा, OTP को वेरीफाई करना होगा। जो आपके ई साइन बोला जाता है वो आपको यहाँ पे वेरीफाई हो रहे हैं, तो ये प्रोसेस यहाँ पे होगा। तो आपका आधार कार्ड जैसे हमने डाला, उसके बाद वेरीफाई हुआ, OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, वो यहाँ पे सिंपली डालना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। तो सो गाइस यहाँ तक हो जाने के बाद आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपके जो एक मैसेज आ जाएगा आपकी 2 या 3 दिन में आपके जो ईमेल आईडी पे और आपके मोबाइल नंबर पे जो इसके पासवर्ड हैं और आपका जो लॉगिन आईडी दोनों आपके मैसेज कर दी जाएगी। तो आप 2 या 3 दिन तक वेट करें, उसके बाद जो इस ऐप्स को ओपन करें और लॉगिन कर दें, आपका जो अकाउंट एकदम सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में आपको करना ये है कि आपके जैसे अगर जो आपको मैसेज आता है उसके बाद में करना क्या है आपको वो भी बता देता हूँ। वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कितना टाइम लगेगा, वेरिफिकेशन प्रोसेस विल टेक अराउंड 2 आवर, मतलब कम से कम दोस्तों 2 घंटा लगेगा, उसके बाद फिर वेरिफिकेशन जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है दोस्तों इंस्टेंट, अब यहाँ पे भी अकाउंट ओपन हो जाता है, एक्सप्लोर ऐप वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। और दोस्तों ये आसानी तरीके से मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि कैसे अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट किया जाता है AngelOne में। यहाँ पे हम स्किप कर देते हैं और यहाँ पे दोस्तों क्विट टूर आप कर सकते हो एक्सप्लोर ऐप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके। दोस्तों यहाँ से आप किसी को भी रेफर कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस जो था फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी रेफर कोड नहीं मिला है क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ टाइम लगता है अकाउंट ओपन होने में, तो अभी हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं सिर्फ। दोस्तों जो ईमेल आईडी आपने डाला होगा उस ईमेल आईडी पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो तब तक आपको दोस्तों क्या करना होता होगा, आपको तब तक वेट करना होगा। यहाँ पे देख सकते जैसे ही कहते जो आपके ईमेल आईडी पे एक मैसेज आएगा और आपके मोबाइल नंबर पे भी एक है जो आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। तो दोनों को जो ओपन करना है कैसे क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपके जो भी मोबाइल नंबर होते हैं और जो भी आपकी ईमेल आईडी है उस पे जो एक आईडी भेज जाएगी और आपका उसका पासवर्ड भी भेज जाएगा। तो उसको जो क्या करना है कि जो उस ऐप्स को एंजल ब्रोकिंग ऐप्स को ओपन करके वहाँ पे जो लॉगिन करना है, उसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। जैसे ही कहते आपके ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे आपको जो एक आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा, तो सिंपली आप जो इस ऐप्स को ओपन करने के बाद लॉगिन वाला जो ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करना है और सिंपली आपको यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर देना है।
लॉगिन करने के बाद कुछ इंटरफेस आपको ऐसा देखने को मिलेगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी एक चीज़ बताना भूल गया मैं, वो आपको बता देता हूँ। जैसे ही कहता है जो आप इस ऐप्स को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद सिंपली आपको जो ऊपर वाला डॉट ऑप्शन दिखता है उस पर आपको क्लिक करना है, या जो आप वहाँ पे नहीं करो तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिखता है ये फंड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको आपका आईडी और पासवर्ड आपको शो होगा, और यदि नहीं होता तो आपको आपको फिलअप करना है वहाँ पे, ठीक है। फिलअप करने के बाद जो लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था वो आपको बता रहा हूँ, ऐड फंड वाला ऑप्शन दिखता है, इस पर आपको क्लिक करना है, सिंपली ऐड करना है आपको 20 रुपये, ध्यान रखना है 20 रुपये आपको ऐड करना है, ये बहुत ज़रूरी है। यदि आप जो आप कितने भी जो रेफर करोगे, कितने भी आप रेफर करोगे वो आपको यहाँ पे शो नहीं होंगे, कई बार जो डिडक्शन कट जाता है, कोई ऐसा होता है तो वो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कैसी कोई दिक्कत नहीं आए, और जो एक रेफर से आपको 700 रुपये कमाना है तो ये बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पे जो भी आपका सिंपली है 20 रुपये आपने ऐड कर देना, फोन पे गूगल पे जो भी आपके पास में है वो यहाँ पे सिंपल करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। ये जो हो जाने के बाद आपका जो भी जो अमाउंट होगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, जैसे 20 रुपये आप सक्सेसफुली है जो ऐड होंगे यहाँ पे, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट पे आपको शो हो जाएंगे। और करना ये है कि आपको इसमें आना है, और इसमें आने के बाद आपको जो सिंपली जो वॉच लिस्ट दिख रही है इस पर आपको क्लिक कर देना है, वॉच लिस्ट आती है ना ये नीचे, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ पे सर्च करना है, जो भी आप आइडिया सर्च कर दो, आइडिया का जो बहुत कम आता है प्राइस में, ये जो अब हमने आइडिया का कर दिया, आइडिया का देखो कि ये जो इसमें शेयर कितना का आ रहा है, 10 रुपये का पर, यानी जो आपको एक शेयर तो लेना ही है, बहुत ज़रूरी है। देखो ये जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया, ये आपको सबसे टॉप पे देखने को मिल जाएगा आइडिया का, और आइडिया का यहाँ पे जैसे क्लिक करता है तो आपको सिंपली करने का यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे बाय पे क्लिक कर देना है। यह जो बाय ऑप्शन दिखता है इस पर आपको क्लिक करना होगा, बाय करना है आपको यहाँ पे, बाय करने के बाद जो एक शेयर करना है आपको सिंपली 10 रुपये का है तो कोई दिक्कत नहीं, एक शेयर भी आपको खरीदना है लेकिन खरीदना जरूरी है, ये जो आपको बाय करना है, ये जो बाय आपको वापस पूछा जाएगा कन्फर्म, तो कन्फर्म आप क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे कन्फर्म करोगे तो ऐड योर पैलेस पे क्लिक कर देगा, और आपको जो भी आपको ऑर्डर होगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, और आप चाहो तो ये आपका 10 दिन या 15 दिन में जब भी आप सेल करना चाहो कोई दिक्कत नहीं, सेल कर देना, ठीक है। तो जो भी आपका अमाउंट होगा वो आपको ऐसे भी विड्रॉ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 700, 800, 900, 1000, 10000, 12000 जितने भी आप कमाओगे रेफर अर्न वाले सेक्शन से, आप जितना भी कमाना चाहते हो वो आपको सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो आपका रेफर अर्न से अपने दोस्तों को शेयर करना कमाना है तो वो आपको यहाँ पे रेफर वाला जो अर्निंग वाला जो सेक्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर करो, जैसे कि यहाँ पे मोर और शेयर व्हाट्सअप है, ग्रुप है, जो भी आपके पास में उन्हें शेयर करो। आई होप कि गाइस वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो बंदों के साथ नहीं शेयर किए उन बंदों को भी शेयर कर दो, वो भी घर बैठे बैठे कुछ अर्निंग कर सकते हैं। इस वीडियो को जितना उसके वैल्यू शेयर करना, और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में आप कर सकते हो, और मेरी इंस्टाग्राम की लिंक दे दीजिए डिस्क्रिप्शन में, कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं डायरेक्ट टैग करके मुझे बता सकते हो। मिलते किसी और नई वीडियो के साथ में, नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तो बातचीत हिंद, वंदे मातरम।